सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। हेलो फ्रेंड, जो आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में जो पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो उसका सिस्टम के बारे में पढ़े थे, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी था इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देयर आर फोर्थ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम लोग अगर देखें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मेरे पास कितना लॉ है, देयर आर फोर्थ लॉ। तो सबसे फर्स्ट क्या है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ। सेकंड है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड है मेरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फोर्थ है मेरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेरा क्या हुआ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट क्या है जीरोथ लॉ, सेकंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम लोग आज के क्लास में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेरा कौन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, कि है क्या है, कहां से आया, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहां पे, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ आया कहां से, है क्या जीरोथ लॉ, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीरोथ लॉ इसका इसलिए नाम रखे क्योंकि इससे पहले मेरा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ आ चुका था। तो इसके ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आ चुका था, तो बट इसका जीरोथ लॉ क्यों नाम रखे, फोर्थ लॉ रख सकते थे, बट जीरोथ लॉ इसलिए रखे क्योंकि ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों का भी बेसिक है। अगर हम जीरोथ लॉ नहीं पता रहे तो हम लोग ये तीनों नहीं समझ पाएंगे। तो इसी कारण इसका तीनों का बेसिक है, तो इसीलिए हम लोग इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम रखे। ठीक है, अब होता क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो देखते हैं। तो अगर हम तीन, अगर हम एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें वाटर ले लेते हैं, इसका ए नाम रख दिए, इसी तरीका से एक और कंटेनर ले लिए, इसका बी नाम रख दिया। जब एक कंटेनर ले लिए बी, एक और कंटेनर हम लोग ले लेते हैं, इसको सी। तो जीरोथ लॉ होता क्या है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीरोथ लॉ बोलते हैं कि अगर कंटेनर ए इक्वल टू कंटेनर बी, क्या हो, दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका इक्वल हो जाए, मतलब कि कंटेनर, कंटेनर ए का इक्वल टू कंटेनर बी क्या हो जाए, यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर ए का जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर, सॉरी जितना ए का टेम्परेचर है और बी का टेम्परेचर है, दोनों क्या हो, एक दूसरा का थर्मल इक्विलिब्रियम हो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, थर्मल
इक्विलिब्रियम बोलते हैं हीट हीट ट्रांसफर नॉट टेकन प्लेस, मतलब जिस जगह पे आपका हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे आपका अगर ई 80 है, ठीक है, कितना है 80 है, और ये मेरा कितना है 60 डिग्री है। अगर इस ए कंटेनर 80 डिग्री है एंड 60 डिग्री है, तो ए इस तरह से हो जाए कि ए यहाँ पे 10 डिग्री अगर लूज कर जाए तो दोनों का क्या हो जाएगा 70 डिग्री 70 डिग्री, तो दिन दोनों सब 70 70 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यही बोल रहे थे कि अगर कंटेनर ए इक्वल टू कंटेनर बी हो जाए, किस कंडीशन में, जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए तब कंडीशन, उस कंडीशन में, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर जो कंटेनर ए है और कंटेनर सी का इक्वल हो जाए ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी अगर इसका भी कुछ मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये भी सेम तरीका से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये देखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, ए इज इक्वल टू सी हो रहा है, तो देन मेरा क्या फाइंड होगा कि सी सी इज इक्वल टू सी बी, मतलब जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका होगा, मतलब कि ये बॉडी का फिर जो लास्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वही इसका भी होगा। अगर इसी तरह से कर देख ले तो यहां पे भी इसका क्या हो जाएगा 70 70, तो देन सी सी इज इक्वल टू सी वी वी। तो हम लोग को फाइनलाइज क्या मिला कि जो बॉडी ए का टेम्परेचर था वो बॉडी बी का टेम्परेचर हुआ उतना का इक्वल, एंड बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी सी का भी टेम्परेचर बोल सकते हैं, या तो ए का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग सी का इक्वल बोल सकते हैं या सी को बी का, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों बॉडी का फाइनल में आके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बोल सकता है ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ए था मेरा जीरोथ लॉ। अब थर्मल इक्विलिब्रियम ये वर्क किस चीज पे करता है, तो हीट का ट्रांसफर। तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि तो इस बॉडी में हो क्या रहा था कि टेम्परेचर यहां पर वेरी कर रहा था, तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर क्या चीज से करते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं क्या से, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब है, उसमें क्या करते हैं हम लोग मरकरी को रखते हैं। जैसे जैसे वहां पे हीट होता है मतलब कि टेम्परेचर राइज करता है तो देन मरकरी ऊपर जाता है अप जाता है, और जैसे जैसे कोल्ड होता है तो देन वो मरकरी है जो डाउनवर्ड आता है। तो ए था मेरा टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो थर्मामीटर से मेजर करते हैं उसके लिए। और अगर हम ए देखें कि टेम्परेचर है क्या, तो टेम्परेचर हम लोग जानते हैं टेम्परेचर मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो अगर हम देखें कि कंटेनर ए का अगर इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है तो उस पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर यहां से मेजर हो रहा है, तो क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो यहां पे अगर हम लोग देखें वाटर है तो इसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो तीनों का यहाँ पे जो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा 100 डिग्री ही सेल्सियस होगा। तो यही बता रहे थे कि टेम्परेचर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो देन यहाँ पे ए भी कंटेनर यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे और टेम्परेचर पे। थर्मल इक्विलिब्रियम से हमको क्या आता है, टेम्परेचर आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीरोथ लॉ।